जब माइग्रेन का दर्द होता है ना, तो इंसान को लगता है कि कुछ भी करके मेरा ये दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि ये दर्द इतना खतरनाक होता है कि काफ़ी लोग तो जब अपनी आँख खोलते हैं ना, जिस साइड में दर्द हो रहा है तो आँख खोलते हुए भी दर्द होता है, कुछ बोलते हैं तो भी दर्द होता है, या तेज़ आवाज़ आती है उससे भी दर्द होता है, या कोई साउंड आता है या फिर लाइट आती है उससे भी दर्द होने लगता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीन प्राणायाम बताऊंगा, यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो उन तीन प्राणायाम को आप रोज़ाना नियमित रूप से करें, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय के बाद आप अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा, माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो माइग्रेन होता क्या है, सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समस्या है। माइग्रेन आपके आधे सर में दर्द होता है, इसको हिंदी में आधा शीशी भी बोला जाता है, आधे सर में दर्द होता है और बहुत खतरनाक दर्द होता है। तो इस वीडियो में तो मैं आपको तीन प्राणायाम बता रहा हूँ, और ये प्राणायाम हमने कई लोगों के साथ ट्राई किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एक आसन की वीडियो भी मैं आपको बना के जल्दी दे दूंगा और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो आप ये समझिएगा कि आपको जो माइग्रेन का दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस वजह से वो ट्रिगर कर रहा है। कई लोगों को क्या होता है, वो नींद में आधी नींद में उठ जाते हैं तो उनको वो माइग्रेन का दर्द ट्रिगर कर जाता है, या कुछ लोग ज़्यादा लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो उस वजह से भी माइग्रेन का दर्द ट्रिगर कर जाता है आप लोगों को, गैस की वजह से माइग्रेन का दर्द ट्रिगर कर जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारण आप समझिए, आपको समझना पड़ेगा कि कब ये दर्द हो रहा है, जिस कारण से दर्द हो रहा है उस कारण को अवॉइड करने की कोशिश करिए। कुछ दिन तक जब आप देखते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जिनको ये दर्द हो रहा है, दर्द के समय दो चीज़ें होती हैं। देखिए, दर्द के समय काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आता है कि दर्द के समय हम कौन से योगासन करें। देखिए, जब आपको दर्द हो रहा है वो इतना खतरनाक होता है, आप उस समय योगासन नहीं कर सकते। उस समय आपको तुरंत आराम के लिए क्या करना चाहिए, उस समय ना तो आप कोई प्राणायाम कर पाते हैं क्योंकि आपका मन ही नहीं करता है ना। तो हम अपनी वीडियो में सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह से लोग आते हैं अपनी ये समस्याएं लेके, जब हम उनको कुछ भी करने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं कर पाते। तो उस समय सबसे अच्छा इलाज आपका क्या है, तो ये समझिए, जब आपको दर्द हो रहा है उस समय आप बस राइट साइड करवट करके लेट जाइए आराम से, आँख बंद करके इस तरह से और डीप ब्रीदिंग करते रहिए जिस समय दर्द हो रहा है। तो 5 से 10 मिनट में आप देखेंगे जो आपका दर्द है उसमें बहुत आराम मिल जाएगा आपको उसी समय पे। काफ़ी लोगों के साथ हमने ट्राई किया और मिलता है आराम। और दूसरा एक इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब दर्द हो रहा है सरसों का जो तेल होता है ना, वो एक या दो बूंद नाक में डाल के सांस लीजिए, तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब जब दर्द हो रहा है तो उस समय तो आपने ये कर लिया, उसके बाद आपको रोजाना कौन से प्राणायाम करने हैं, तीन प्राणायाम हैं, इनको एज इट इज करिए। तो सबसे पहले आपको उज्जयी ब्रीदिंग रोजाना करना है, और 5 मिनट कम से कम हर प्राणायाम को आपको रोजाना करना ही करना है सोने से पहले। खाली पेट करें तो बहुत ही बढ़िया होता है प्राणायाम का अभ्यास। तो क्या उज्जयी प्राणायाम में देखिए, काफी लोगों को पता है कि उज्जयी जो ब्रीदिंग होती है वो गले को सिकोड़ के इस तरह से आवाज, जबकि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उज्जयी ब्रीदिंग, वो गले को ठंडी लगती हुई आपके लंग्स तक जानी चाहिए। तो नॉर्मल जिसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं वो करनी है आपको, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और सांस लें धीरे धीरे। इस तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है 5 मिनट। तो ये पहला प्राणायाम है, इसको उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं, उज्जयी ब्रीदिंग भी बोलते हैं कुछ लोग। दूसरे नंबर पे आपको उद्गीत प्राणायाम करना है। उद्गीत प्राणायाम मतलब ओम चैंटिंग। इन एक एक प्राणायाम की मैं पूरी पूरी वीडियो बना के भी अपने चैनल पे पूरी पोस्ट कर चुका हूँ, यदि आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे प्राणायाम का एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके इन प्राणायाम को पूरी डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से प्राणायाम आपको करने हैं। तो दूसरा प्राणायाम है ओम चैंटिंग, कमर गर्दन सीधी करके बैठे। जब भी प्राणायाम करें तो आपको कमर गर्दन सीधी करके ही बैठना है। और देखिए दोस्तों, कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी समस्या के लिए कोई समाधान ढूंढ रहे हैं तो आप 10 से 15 मिनट दीजिए,
पूरी जानकारी लीजिए, फिर उस काम को करिए जिससे आपको जो सफलता है वो मिले, है ना। पेशेंस दिखाइए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो उद्गीत कैसे, कमर गर्दन सीधी करके बैठ गए और ओम का उच्चारण, धीरे पूरा सांस लिया, तो इसमें आपको माँ को लंबा करना है, माँ। तो ओम में तीन अक्षर होते हैं, ए, ऊ और माँ। इसकी मैंने एक पूरी ओम का उच्चारण कैसे करें एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। तो माँ को लंबा करना है, ए, ऊ, माँ। देखिए एक बार फिर से देखिए, पूरा सांस लिया, जब आप माँ को लंबा करते हैं तो क्या होता है, उससे आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जब ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्रेन सेल्स रिलैक्स होते हैं, तो जो आपकी माइग्रेन की समस्या है वो धीरे धीरे आगे जाके ठीक होने लगती है। क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है माइग्रेन की समस्या, माइग्रेन को ट्रिगर करने का। दो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सारे कारण हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, फिर भी कोई भी कारण हो आप इन प्राणायाम का अभ्यास करें। और तीसरा प्राणायाम जिसको माइग्रेन का काल बोला जाता है वो है भ्रामरी प्राणायाम। तो सबसे पहले आपने 5 मिनट उज्जयी ब्रीदिंग किया, डीप ब्रीदिंग, उसके बाद 5 मिनट ओम चैंटिंग, और उसके बाद 5 मिनट आप भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम की वीडियो भी मैं बना के पोस्ट कर चुका हूँ, अब इसको आप सिंपल समझ लीजिए। ये अपने जो हाथों की 5 उंगलियाँ हैं, पहली उंगली को थर्ड आई सेंटर पर रखते हैं, इस पे आईब्रो पे, थर्ड आई सेंटर के दोनों साइड जहाँ पे बिंदी लगाते हैं उसके दोनों साइड। दूसरी उंगली को आंख पे रखते हैं जहाँ से आंसू आते हैं। तीसरी उंगली को नोस्ट्रल के पास और चौथी उंगली को रखते हैं अपने लिप्स के पास और अंगूठों से कान को बंद कर लेते हैं इस तरह। यहाँ तक समझ गए, पहली उंगली आईब्रो पे, दूसरी उंगली आंख पे, तीसरी उंगली नोस्ट्रल के पास, चौथी उंगली आपके लिप्स पे और अंगूठों से कान को बंद कर लिया, ठीक। जीभ को मोड़ के अपर पैलेट से लगा लीजिए इस तरह, और फिर पूरा सांस लिया और सांस छोड़ते हुए भ्रमर की तरह से गुंजन करना है हम इस तरह से। और उस गुंजन से आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस पे पूरा ध्यान लगाना है। 5 मिनट इस प्राणायाम को करिए तो देखिए कैसे, ये देखिए, फिर सांस लिया और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड क्रिएट करना है। और आँख को दबाना नहीं है, नाक को भी दबाना नहीं है, लिप को भी दबाना नहीं है, सिर्फ टच करके रखना है, अंगूठे से कान को दबाना है, बंद करना है बस। एक बार फिर से देखो, इस तरह से 5 मिनट किया और फिर कुछ समय आंखें बंद करके 2 से 3 मिनट बैठे रहिए और जो वाइब्रेशन ब्रेन में हुई है उसको फील करिए। तो ये 3 प्राणायाम का अभ्यास आप नियमित रूप से करिए, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। काफ़ी लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिला है योग के अभ्यास से। अब ये तो योग प्राणायाम की वीडियो हो गई, अब योगासन की वीडियो और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की वीडियो बना के मैं आप लोगों को जल्दी दूंगा। तो कैसा लगा इस वीडियो का अभ्यास करके, या वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज़रूरत होती है लोगों को। जब उनको दर्द होता है, बहुत परेशान होते हैं, वो सोचते हैं हम क्या करें, ये देखते रहते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब आपको दर्द हो तो क्या करें, लेट जाइए, कोई भी आसन करने की कोशिश ना करें क्योंकि उस समय आपका दर्द बढ़ सकता है, लेटे रहिए। और जब आपको वो दर्द ट्रिगर नहीं कर रहा तो इन प्राणायाम का अभ्यास लगातार आप रोज़ाना 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करिए,
तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम इन फ्यूचर कोशिश करेंगे उन कमेंट को पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाने का। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।